नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश मीना। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 5 की हिंदी विषय की एक सुंदर सी कविता का आदर्श वाचन किया था, जिसको लिखा था श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम उस कविता का, उन काव्यांशों का मतलब समझेंगे, अर्थ निकाल के उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक बच्चा जो होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मोहल्ले में, आज कॉलोनी में खिलौने वाला फिर से आया है। कहने का मतलब है वहां पे खिलौने बेचने वाला आता जाता रहता है, और वह कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। अब खिलौने में क्या क्या लाया देखते हैं। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। हरा हरा तोता पिंजड़े में, पिंजड़े का मतलब क्या होता है? पिंजड़े का मतलब होता है जिसमें पक्षी रहते हैं। जैसे अपन ने देखा होगा, तोता को हम पकड़ के पिंजड़े में बंद कर देते हैं, तो वो पिंजड़ा के लिए बोल रहा है कि हरा हरा तोता। तोता किस कलर का होता है, किस रंग का होता है? तोता हरा रंग का होता है। तो वो किसके अंदर है? पिंजड़े में। पिंजड़े में क्यों रखा होगा खिलौने वाले ने तोते को? क्योंकि अगर तोते को पिंजड़े में नहीं रखेंगे तो तोता उड़ जाएगा, इसलिए तोते को पिंजड़े में रखा है। और क्या है उसके पास? गेंद एक पैसे वाली, और एक पैसे की गेंद है। गेंद कितने की है? एक पैसे की, केवल एक पैसे की। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी जानती है ना, जो गाड़ी, वह गाड़ी जो मोटर से चलती हो वह मोटर गाड़ी होती है। और मोटर गाड़ी जब चलती है तो कैसे कैसी आवाज आती है? सर सर सर। तो सर 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 की मतलब होता है धीरे धीरे की आवाज। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे लोटा थाली। अब कहता है बच्चा, सीटी भी है, सीटी मतलब विसल जो आप बजाते हैं, वो विसल भी है, और कई तरह के सुंदर खेल, कई तरह के खिलौने हैं जिनसे हम खेल खेल सकते हैं। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, एक रेल है जिसमें चाबी भरती है। जैसे आप चाबी भर के रेल चलाते हो ना, खिलौना होता है उसको, एक चाबी इसको घुमा के उसको छोड़ देते हैं, फिर वह भागती रहती है। तो भक भक का मतलब होता है रेलगाड़ी की आवाज। तो रेलगाड़ी किसी आवाज करती है? भक 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 भक। चाबी भर देने से भक भक करती हुई रेल चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, गुड़िया तो आप जानते ही हैं, गुड़िया एक खिलौना होता है। तो गुड़िया भी है बहुत भली सी, भली सी मतलब बहुत सुंदर सी, बहुत क्यूट सी, बहुत अच्छी सी गुड़िया है। पहने कानों में बाली, कानों में बाली पहनिए, बाली का मतलब होता है कानों में पहने जाने वाला आभूषण, ज्वेलरी, जिसे कानों में पहनते हैं। तो कहता है कि गुड़िया है एक बहुत सुंदर सी जो कानों में बाली पहने हुए है। छोटा सा टी सेट है, टी सेट का मतलब होता है चाय पीने का कप और प्लेट, टी सेट। टी सेट मतलब चाय बना के उसमें रख के सर्व करते हैं, लोगों को देते हैं, वो टी सेट है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, लोटा का मतलब होता है पानी पीने का बर्तन, और थाली का मतलब होता है खाना खाने की प्लेट या खाने खाने का बर्तन, जिसे हम प्लेट या थाली कहते हैं। तो कहता है कि गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में भली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। तो जो खिलौने वाला है उसके पास सीटी भी है, कई तरह के सुंदर खेल खिलौने हैं, चाबी भर देने से मतलब चाबी भरने वाली रेल भी है जो बकबक करके चलती है,
छोटी सी गुड़िया भी है जो कानों में बाली पहने हुए है, छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे लोटा और थाली भी है। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ को लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचो कि मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रे, पर माँ ये मैं कभी नहीं लूंगा क्योंकि ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। इन काव्यांशों में कुछ नए शब्द आए हैं, उनका हम मतलब देख लेते हैं। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। पुकारने का मतलब होता है आवाज लगाना, तो जो खिलौने वाला है खिलौने बेचने के लिए आवाज लगा रहा है ताकि बच्चे उनकी उसकी आवाज सुने और दौड़ दौड़ कर उसके पास खिलौने खरीदने के लिए आए। तो बच्चा और वर्णन करता है उसके खिलौनों का कि उसके पास और क्या क्या है। छोटे छोटे धनुष बाण है, धनुष बाण तो आप जानते ही हैं, हाँ तीर कमान, तो छोटे छोटे धनुष बाण है और छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, वो जो रहा जोर जोर वह रहा पुकार। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है खिलौने वाला, जोर जोर से बोल रहा है कि कोई आओ मेरे पास ये खिलौने हैं और आके ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मुन्नू नाम का जो लड़का है उसने गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी, और मचल मचल सरला कहती है माँ को लेने को साड़ी। लेकिन जो एक लड़की है सरला, वो मचल मचल के कहती है अम्मा से, अम्मा को मतलब होता है माँ, मचल मचल के कहती है। मचल मचल का मचलने का मतलब होता है किसी चीज के लिए हट करना, जैसे आप बाजार जाते हैं आप खिलौना दिख गया तो आप खिलौने के लिए हट करने लग जाते हैं, कोई मिठाई दिख गई तो खाने के लिए हट करने लग जाते हैं, कोई ड्रेस अच्छी लग गई तो उसकी जिद करने लग जाते हैं कि मम्मी मुझे ये तो चाहिए, पापा मुझे ये तो दिलाओ। तो वैसे ही सरला हट करने लग गई, मचलने लग गई, माँ को बार बार कहने लग गई माँ आप भी साड़ी लो। तो उसी तर्क में बच्चा अपनी माँ से कहता है कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। बच्चा कहता है कि सरला जो है अपनी माँ से साड़ी लेने को कहती है, लेकिन माँ क्या खिलौने वाला कभी साड़ी लाता है। बच्चा समझदारी दिखाते हुए कहता है कि माँ खिलौने वाला तो खिलौने बेचता है, क्या साड़ी थोड़ी ना लाता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। मम्मी सरला देखो ना अपनी मम्मी से खिलौना खिलौने वाले के पास साड़ी खरीदने के लिए बोलती है, साड़ी लेने के लिए बोलती है, जबकि खिलौने वाला साड़ी नहीं लाता। साड़ी तो कौन लाता है, वो है जो कपड़े वाला आता है वो कभी कभी आता है और साड़ी दे के जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, इतना बताने के बाद मम्मी ने उसकी मन की भावना समझते हुए उसे चार पैसे दे दिए कि जा बेटा तू भी अपने लिए कुछ खिलौने खरीद लिए। कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब बच्चा कहता है कि मम्मी आपने मुझे चार पैसे तो दे दिए, लेकिन मैं कौन से खिलौने खरीदूंगा, क्या तुमने सोचा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या आपके आपको कोई आइडिया है, क्या आपको कोई अनुमान है कि मैं कौन से खिलौने खरीदने वाला हूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी नहीं लूंगा क्योंकि ये तो है बच्चों के खेल। माँ तुम सोचती होगी कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर रेल गुड़िया ये सब ले लूंगा, ये मैं नहीं लूंगा क्यों, क्योंकि ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तुम सोचती है मैं ऐसे खिलौने खरीद लूंगा, मैं ऐसे खिलौने नहीं लूंगा क्यों, क्योंकि ये तो बच्चों के खिलौने हैं। यहाँ पे वो बच्चा अपने आप को बच्चा नहीं मानता है, अपने आप को थोड़ा समझदार मानता है, क्योंकि वो
वो कहता है कि मैं ऐसे खिलौने नहीं खरीदूंगा, मैं तलवार खरीदूंगा या तो, या फिर मैं खरीदूंगा तीर कमान। तीर कमान का मतलब होता है धनुष बाण। फिर उसी तीर कमान से यहाँ पर बच्चा अपने आप की तुलना भगवान श्री राम से करता है और कहता है कि तीर बाण खरीदूंगा और उस तीर बाण से राम की तरह, भगवान श्री राम की तरह असुरों का नाश करूंगा, असुरों को मार भगाऊंगा। असुरों का मतलब होता है यहाँ पे राक्षस, असुरों का मतलब होता है राक्षस, सॉरी। यहाँ पे कहता है कि मैं तलवार खरीदूंगा या तीर कमान, और तीर कमान जो खरीदूंगा उससे मैं ताड़का को मारूंगा। अगर आपने रामायण देखी है या फिर रामचरितमानस पढ़ी है तो आपको ताड़का का मतलब समझ में आ जाएगा। ताड़का एक राक्षसी थी जिसका भगवान श्री राम ने वध किया था। तो कहता है कि मैं भी भगवान श्री राम की तरह धनुष बाण से ताड़का को मारूंगा जो कि एक राक्षसी थी। तो मैं तलवार खरीदूंगा या फिर धनुष बाण खरीदूंगा और उनसे भगवान श्री राम की तरह मैं भी क्या करूंगा, ताड़का को, राक्षसी को मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचाही चीजें देगा। तपस्वी, तपस्वी का मतलब होता है तपस्या करने वाले। वन में जो जाप करते रहते, भगवान का नाम रखते रहते हैं, जो जिसे हम जिन्हें हम कहते हैं ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु। तो तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। क्योंकि बच्चा अपने आप की तुलना यहाँ पे श्री राम से कर रहा है। तो राम, भगवान राम जब अपनी शिक्षा खत्म करके आए थे, समाप्त करके आए थे अयोध्या, तो ऋषि वन में तपस्या करते थे और उनको राक्षस आके परेशान करते थे, उनकी तपस्या में भंग डालते थे। तो भगवान श्री राम उनकी रखवाली के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वन में गए और सभी राक्षसों को मार गिराए थे। तो ऐसे ही ये बच्चा भी अपने आप की तुलना भगवान श्री राम से करता है और कहता है कि जब तपस्वी यज्ञ करेंगे और असुर जब उनको परेशान करने के लिए आएंगे तो मैं उनको मार भगाऊंगा, मैं उनको मार दूंगा। असुरों का मतलब होता है राक्षस, दानव, दैत्य, बुरी आत्मा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा और मैं ऐसे ही असुरों को मारते हुए, राक्षसों को मारूंगा, ताड़का को मारूंगा, ऐसे करते करते मैं क्या बन जाऊंगा, एक दिन मैं भगवान श्री राम बन जाऊंगा, रामचंद्र बन जाऊंगा, भगवान श्री राम बन जाऊंगा। और यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। और मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास, मैं तुमको कौशल्या जैसे मानूंगा। और तुम कह दोगी वन जाने को, तो हंसते हंसते जाऊंगा। कौशल्या यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि तो भगवान श्री राम की माता का नाम भी क्या था, कौशल्या। तो कहता है अपनी माता से कि माँ तुम भी मेरे पास रहेगी, मैं भी आपके पास रहूंगा और मैं तुमको कौशल्या के जैसे बनाऊंगा। मैं भगवान श्री राम बनूंगा और मैं कौशल्या जैसे आपको बनाऊंगा। और अगर आप कह देती है कि तुम बन जाओ तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। ऐसा क्यों कहा होगा बच्चे ने, क्योंकि वह भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानता है, उनके जैसे बनना चाहता है। और उसको पता था कि भगवान श्री राम भी बिना किसी विचार के जब पिताजी का आदेश हुआ तो हंसते हंसते वन को चले गए थे। तो वो कहता है कि मैं तुमको कौशल्या के जैसे रखूंगा और अगर तुम कह दोगी तो मैं हंसते हंसते वन में चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। लेकिन फिर कहता है कि माँ मैं तुम्हारे बिना वन में कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। दिन भर तो मान लिया मैं जंगल में घूमूंगा, लेकिन शाम को लौट कर कहाँ आऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। दिन भर तो मैं जंगल में घूम घूम के टाइम पास कर लूंगा, दिन समय व्यतीत हो जाएगा मेरा, लेकिन
जब शाम को दिन छिपने लगेगा तो मैं लौट के आऊंगा किसके पास, जाऊंगा किसके पास, किससे लूंगा पैसे? जैसे कुछ खिलौने वाला आता, आइसक्रीम वाला आता, तो मैं भाग के आपके पास आता हूँ, खिलौने के लिए, आइसक्रीम के लिए पैसे मांगने लग जाता हूँ। फिर अगर मैं वन में चला गया तो मैं किससे तो पैसे लूंगा और किससे मैं रूठूंगा? जैसे आपको कोई मन चाही चीज नहीं मिली, अपना मनपसंद का खिलौना नहीं मिला, अपनी इच्छित ड्रेस नहीं लाए, तो रूठ जाते हो ना मम्मी से। तो बच्चा भी कहता है कि अगर मैं वन में चला गया तो मैं किससे पैसे लूंगा और किससे रूठूंगा, और रूठूंगा तो कौन मना लेगा? और जब मैं रूठता हूँ तो आप मुझे प्यार से मना लेते हैं ना, तो वहां पे अगर मैं रूठ गया तो मुझे कौन मना लेगा, मुझे कौन मनाएगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा? और मैं जब रूठ जाऊंगा तो मना मना के मुझे प्यार से गोद में बिठा के मनाएगा, कौन मनाएगा और कौन से मनचाही चीजें दिलाएगा? जब मुझे मेरी मनचाही चीजें नहीं मिलेगी तो मैं कैसे, किससे रूठूंगा, और रूठने के बाद मुझे कौन मनाएगा? और अपनी गोद में बिठा के मुझे मेरी मनपसंद, मनचाही का मतलब होता है मनपसंद चीजें कौन दिलाएगा? तो कहता है कि मैं भगवान श्री राम तो बन जाऊंगा, लेकिन माँ मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे तो तेरा प्यार चाहिए, मुझे तो तेरी गोद में बैठ के प्यार चाहिए। तो ये कहानी एक कल्पना के आधार पे है, कल्पना करता है एक बच्चा जो कि भगवान श्री राम के जैसा बनना है, क्योंकि तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से पूजनीय थे, और बच्चा उनके चरित्र से, उनके स्वभाव से काफी प्रेरित था, जो कि होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा पाठ नंबर 3, खिलौने वाला, इसकी समाप्ति हुई, इसके काव्यांश की व्याख्या पूरी हो गई, आदर्श वाचन हो गया। तो इस प्रकार हमारा पाठ पूरा होता है। अब आप इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, और इसके तुकांत शब्दों को भी लिखेंगे। तुकांत शब्द मतलब होता है राइमिंग वर्ड। धन्यवाद।